मनीष देसाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या तस्वीरें अभी इस समय आप दिखाएंगे, जल्दी से बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच सकते हैं। नरोड़ा गांव का ये एरिया है, आप देखिए पूरा भरचक है, यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, करीब 2 घंटे से ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हर उम्र के लोग, छोटे बच्चे हो बड़े हो, हर कोई इंतज़ार कर रहा है अपने प्रधानमंत्री का आने का। और यहाँ क्योंकि नरोड़ा जो है वो पूरा गढ़ माना जाता है बीजेपी का, और यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के आने का। यहाँ से कुछ ही मिनटों में वो पहुँचेंगे, उसके बाद उनका रोड शो जो है वो तुरंत शुरू हो जाएगा। काफ़ी लंबा रोड शो होना है और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। हर 4 रास्ते पर, हर एरिया में लोगों को कहे कि प्रधानमंत्री का इंतज़ार हो रहा है, और जैसे ही वो आएंगे हर तरह का स्वागत उनका हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है। 14 विधानसभा बताई जा रही है मनीष, 14 विधानसभा जिसको कवर करता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे गुजरने वाला है। इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां कहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे? हालांकि जितना मैं जानती हूं, जितना मैंने देश के अलग अलग राज्यों को कवर किया है मनीष, लोग छतों पर चढ़ जाते हैं, दूर दराज से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। अभी भी वही तस्वीर मिल पा रही होगी मनीष, हो सके तो लोगों से बात कीजिए वहां पर। बिल्कुल वही हाल है, आप देख सकते हैं कि पीछे एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, पूरा हर एक फ्लोर पर आपको लोगों की पूरी भीड़ दिखेगी। करीब 100 के आसपास के लोग हर फ्लोर पर आपको खड़े दिखेंगे। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग नीचे खड़े हुए हैं, और ये क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, इसके लाइव विजुअल हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा उनका कॉन्वॉय जो है वो यहाँ पहुँच चुका है। प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, पूरा जो है लोगों का हुजूम यहाँ पर जो इंतज़ार कर रहा है उनका इंतज़ार ख़त्म होता दिखेगा। इन गाड़ियों के पीछे ही प्रधानमंत्री का काफिला पहुँचने वाला है। बिल्कुल, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुँचने वाला है। वापस आऊंगी मैं अपनी बहस पर, हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और जफर सरेशवाला भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं जफर सरेशवाला का रुख करूंगी। जफर साहब, इस बार आप मुस्लिम तबके को कहां पर देख रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, या AIMIM की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वो कितने सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, गुजरात का मुसलमान जो है 2002 के बाद से उसने अपने आप को ज्यादातर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप पे लगाया है, और वो बहुत ज्यादा, अब उसके लिए ये मसला नहीं है कि हुकूमत किसकी है या किसकी नहीं है। एक और बात ये भी है कि बीजेपी की हुकूमत गुजरात में ऑलमोस्ट आज 27 साल से है, और मुसलमान ये देखता है उसमें 2002 के बाद मोदी साहब के 10-11 साल रहे और ये और बाकी 7-8 साल रहे, तो मुसलमान देखता है कि भाई क्या थोड़ी बहुत चीजों के अलावा मुसलमानों ने जो तरक्की की है गुजरात में पिछले 20 साल। जफर साहब, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ। इस बीच ये तस्वीरें दिखाना और बताना इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये काली गाड़ी जिससे उतर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर पर टोपी पहनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक बार फिर से रथ पर सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है वो शुरू होने जा रहा है, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। हम बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से, अहमदाबाद के नरोडा से होता हुआ गुजरेगा ये जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें कि ठक्कर बापा नगर जाएगा, बापू नगर जाएगा, निकोल जाएगा, अमराईवाडी जाएगा, मणिनगर जाएगा, दाही लिमडा जाएगा, ये तमाम बूथ जखी है, ये पूरा रूट है बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिससे होता हुआ उनका काफिला गुजरने वाला है। जमालपुर खाड़िया, एलिस ब्रिज भी जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, वेजलपुर, घाट लोडिया, नारायणपुरा, साबरमती, गांधीनगर दक्षिण, ये तमाम वो इलाके हैं जिनको पार करता हुआ पूरे 50 किलोमीटर का सफर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, रोड शो पूरा होगा। और ये जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत 24 सबसे पहले रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और उनसे ज्यादा जो जनता
कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ी है, मौजूद है, वो उत्साहित नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अहमदाबाद की नरोडा की तस्वीरें अभी इस समय हम आपके सामने रख रहे हैं। मोदी का रोड शो है और ऐसे में जनता का जोश हाई नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को आप देख रहे हैं उसमें आधे तो समर्थक है लेकिन आधे से ज्यादा तादाद में जनता है। ये वो जनता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महज एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पहुंची हुई है। लोग छतों पर पहुंच जाते हैं, न जाने कहां कहां से आते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और ये तो वो गुजरात है जहां पर 27 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, बल्कि यही हाल मैं बताऊं कि पश्चिम बंगाल में भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस समय बंगाल के इलेक्शन थे वहां पर ममता दीदी की चलती है, लेकिन फिर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उनको देखने भर के लिए जनता इतनी उत्साहित थी कि दूर दूर से लोग पहुंचे थे। ये फिलहाल आप गुजरात की तस्वीरें देख रहे हैं, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो शुरू हो चुका है, जिसका भव्य आयोजन किया गया है, भव्य तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और उतनी ही खुशी उस जनता के लिए नजर आ रही है, उनके चेहरे पर नजर आ रही है जो वहां पर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि इस रोड शो के जरिए कुल 14 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। अहमदाबाद की 13 सीटें होंगी और गांधीनगर की एक सीट होगी। इन 14 में से 11 सीटें बीजेपी साल 2017 में जीतने में सफल रही थी। 3 सीटों पर कांग्रेस को समय जीत मिली थी लेकिन बाकी 11 बीजेपी के खाते में थी। और एक बार फिर से बीजेपी की वही कोशिश है कि सभी की सभी सीटों को जीत लिया जाए। लोगों का जोश इस समय हाई नजर आ रहा है, लोगों का उत्साह जो है वो सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। जहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है, वहां पर चारों तरफ सिर्फ मोदी मोदी की गुंजायमान हो रही है, मोदी मोदी ही गूंजता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रोटोकॉल होते हैं ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की हर संभव कोशिश, ये देख सकते हैं आप लोग कितने उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न सिर्फ मिलने के लिए बल्कि उनकी एक झलक पाने के लिए भी। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। आगे पीछे आप सिक्योरिटी देख पा रहे हैं और ऐसे में जो लोग हैं उनको भी हटाया जा रहा है, पीछे किया जा रहा है। मीडिया भी बड़ी तादाद में पहुंची हुई है और आपको बता दें कि पूरे 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो आयोजित किया गया है, यानी कि भव्य रोड शो है, भव्य रोड शो जिसकी तस्वीरें अभी इस समय आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अलग ही खुशी, अलग ही रौनक नजर आ रही है और जो खुशी है गुजरात की आवाम से मुलाकात करने की। इसी तरीके से वक्त वक्त पर प्रचार करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज इस प्रचार का आप समझिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज सबसे बड़ा रोड शो निकलने जा रहा है। 50 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उनकी सिक्योरिटी के साथ देख रहे हैं और पीछे आती हुई जनता को भी आप देख रहे हैं। ये वो जनता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आई है, उनसे मिलने आई है, उनसे मुलाकात करने आई है। फिर चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी में एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है और यही है पीएम मोदी का मिशन गुजरात, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुल 14 सीटें इस रोड शो के जरिए कवर की जाएंगी। अहमदाबाद की 13 सीटें होंगी इसमें और गांधीनगर की एक सीट होगी जिसको कवर किया जाएगा इस रोड शो के जरिए। दूसरे चरण के लिए प्रचार हो रहा है, पहला चरण आज पूरा हो चुका है, पहले चरण का आज वोट पूरा हो चुका है, बड़ी तादाद में जनता ने वोट किया है और अब ये दूसरे चरण के लिए प्रचार हो रहा है, जिसके लिए बीजेपी के सबसे बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरे हैं। मातम
तो इस रोड शो पर हमारी नजर बनी हुई है और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आप खुद भी देख रहे हैं कि एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो है वो खत्म हुआ है, दूसरे फेज के लिए प्रचार किया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा रोड शो नहीं है बल्कि पूरे 50 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया गया है, कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, आज ये रोड शो हो रहा है, निश्चित रूप से चुनाव प्रचार करना सब पार्टी का अधिकार है और स्टार कैंपेनर हैं नरेंद्र मोदी जी। हम तो ये नहीं कहेंगे कि बतौर प्रधानमंत्री वो रोड शो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो बतौर स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि ये बात भी है, एक आलोचना का विषय भी है कि चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उस दिन दूसरी जगह अगर ऐसे रोड शो होते हैं तो उसका सीधा प्रसारण कितना मतदाताओं को असर करता है, तो ये भी एक चुनाव आचार संहिता को नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अमूमन ये देखा जाता है कि जब कई चरणों में चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी इस तरह से शेड्यूलिंग करते हैं, दूसरी पार्टियां भी करती हैं लेकिन बीजेपी ज़्यादा करती हैं। इवन बांग्लादेश में हो करके वो जब बंगाल में चुनाव होता है तो मथुआ समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि आचार संहिता का किस हद तक इसमें उल्लंघन हो रहा है। जी शाहजी जी, तो आप सुन रहे थे प्रेम कुमार जी को। एक बार फिर से मैं आपको जफर सरेशवाला के पास लिए चल रही हूं। जफर सरेशवाला साहब, 27 साल बीजेपी को हो गए हैं गुजरात में, लेकिन मोदी का मैजिक कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मोदी जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हाँ, देखिए, जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन जो गुजरात में है वो कमाल की है। मतलब वो तो उनके दुश्मन भी जानते हैं कि जो मोदी साहब का जो सिक्का है, यानी वो लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करते हुए, लेकिन मोदी साहब के मामले में वो भी उसको मानते हैं, तो उनकी जो असर है उससे जो लोगों को मोहब्बत है वहां पर गुजरात में आम तौर पर, वो एक अलग लेवल की। यानी जो मैंने भी इतने सालों में कोई पॉलिटिकल लीडर की इतनी पॉपुलैरिटी लोगों के अंदर नहीं देखी, तो वो तो है, आप इनकार नहीं कर सकते, वो बहुत जबरदस्त है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी एज अ पार्टी अगर वो इस्तेमाल करती है उसको, तो क्या क्या है भाई, हर पार्टी करती है इस्तेमाल, तो उसका तो कोई बियॉन्ड डाउट जो पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी साहब की गुजरात में है वो नियर में भी कोई और पॉलिटिकल लीडर नहीं आता। जफर साहब, एक बात मैं और समझना चाहूंगी, जो लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी नजर आती है, वर्ल्ड लीडर्स में भी नजर आती है। जब बात होती है सुपर पावर की, तो आपने देखा होगा जो बाइडेन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी से मुलाकात करने के लिए दौड़े भागे चले आते हैं। तो ये तो उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर बात हो गई, लेकिन क्या उनकी पॉपुलैरिटी भारी पड़ेगी इस बार चुनाव में, या फिर जो चुनौतियां दी जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से वो भारी पड़ने वाली है, क्या लगता है इस बार? देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसका फायदा तो बीजेपी को होगा ही होगा, और वो बिल्कुल, क्योंकि मोदी वर्सेस अगर कोई भी आता है तो मुकाबले में नहीं रह सकता, तो ये बीजेपी का बहुत अच्छा ये एक रणनीति कही है, जो भी कही है कि वो मोदी साहब आते हैं सामने जहां भी, तो उसका जो फायदा है वो उसका आप किसी के पास उसका बदलाव या उसका मुतबादल नहीं है, तो वो रहेगा और उसका असर चुनाव में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, सवाल मेरे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं दिखाना कि अभी इस समय गुजरात में क्या चल रहा है। दरअसल गुजरात में फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद से चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो, और इस बड़ी खबर पर भारत 24 की नजर बनी रहेगी।